गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 77। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14 तक प्रैक्टिस की थी और जो एक्सरसाइज 15 है उसको स्किप करना है, मतलब उसको नहीं करना है, उसको छोड़ना है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 16। एक्सरसाइज 16 में डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द क्वेटेंट एंड रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड, मतलब इसमें आपको डिवाइड में क्या ना क्वेटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, निकालना है। मतलब अब कैसे करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 5479 बाय 12, मतलब 12 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, हमने 12 को लिखा, टेबल को यहाँ इस साइड लिखते हैं और जो नंबर है मतलब वो हमने यहाँ लिखा। मेन चीज़ इसमें ये है, आपको करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा टेबल जो है वो छोटी रहनी चाहिए, मतलब इस नंबर के अकॉर्डिंग छोटी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? मतलब जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 में हमने डिवाइड किया तो पहला आप ये देखो 12 की टेबल इस 5 से बड़ी है छोटी है, मतलब जो भी यहाँ टेबल हो तो 12 मतलब बड़ा है और 5 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा करने के लिए, टेबल को छोटा करने के लिए हम 5 में 4 मतलब 4 ऐड कर लेंगे, ये हो गए 54। अब टेबल छोटी हो गई है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक टेबल छोटी नहीं रहेगी तब तक डिवाइड कैसे करेंगे? अगर ये नंबर छोटा रहेगा ये टेबल बड़ी रहेगी, यहाँ का नंबर बड़ा रहेगा तो डिवाइड हम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए टेबल का छोटा होना ज़रूरी है। तो 5 में नहीं किया हमने, 4 ऐड कर ली 54। अब हम 12 की टेबल बोलेंगे, या तो 54 है या तो 54 से कम आए। तो 12 की टेबल बोलेंगे हम, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60। 60 ज़्यादा आ रहे हैं इससे, और 12 4 टाइम्स स्पीक करेंगे तो 48 आ रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, 4 टाइम्स लेंगे। आपको लगे कि ज़्यादा आ रहे हैं इससे तो उससे एक कम लिखेंगे आप। तो मैंने लिखा 12 4 48। 4 में अब लेस करेंगे इसको, लाइन ड्रॉ करके 4 में से 8 लेस नहीं हो रहे हैं, कैरी ली 14 में से 8 लेस किए 6, यहाँ बचे 4 में से 4 लेस किया 0। अब नेक्स्ट नंबर हम उतारेंगे, एरो लगा के मैंने किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 7 हमने लिखे यहाँ पे, ये हो गए 67। अब हमें 12 टेबल बोलनी है, या तो 67 आए या तो 67 से कम आए, ज़्यादा नहीं, वरना लेस नहीं कर पाएंगे। तो 12 टेबल हम बोलते हैं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। ज़्यादा हो रहे हैं 72 इससे, तो हम 12 को 5 टाइम स्पीक करेंगे, 12 5 60। 60 है, हमने 60 यहाँ पे लिख लिया है। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, हम इसको लेस करेंगे, 7 में से 0 लेस किए 7, 6 में 6 लेस किए 0। वापस नेक्स्ट नंबर उतारेंगे हम, एरो लगा के 9, ये हो गए 79। वापस 12 के टेबल हम बोलते हैं, मतलब या तो 79 आए या तो 79 से कम आए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। 72 आ रहे हैं, 6 टाइम बोलने पे, 7 टाइम बोलने पे ज़्यादा आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं 7 टाइम बोलने पे, इसलिए हम 6 टाइम यहाँ लिखेंगे, 12 6 72। वापस लाइन ड्रॉ करके हम लेस करेंगे इसको, 9 2 लेस करेंगे 7, और 7 में 7 लेस किया तो यहाँ 0 आएंगे। आप लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 आए। जो आंसर आए हैं उसको हम क्वेटेंट बोलते हैं, और जो नीचे मतलब नंबर रह गया है, अब आगे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 12 जो टेबल है वो बड़ी हो गई है और जो लास्ट में नंबर बचा वो छोटा हो गया, और आगे कोई नंबर भी नहीं जिसको हम यहाँ पर लिख के आगे कर सकें। तो अब 12 खुद बड़ी है, 12 की टेबल में 7 कहाँ से आएंगे, 12 की टेबल तो खुद 12 से स्टार्ट है, इसलिए ये नंबर छोटा हो गया और टेबल बड़ी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पर ही, यहीं तक ही फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। तो ये जो लास्ट में बचा है ये रिमाइंडर होता है, जो लास्ट में बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और जो आंसर आया है उसको हम क्वेटेंट कहते हैं। इसका जो क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड है वो आपको खुद को करना है, वैसे इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैंने आपको सेकेंड थर्ड दिया है ये सबकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 19, फाइंड द क्वेटेंट व्हेन डिवाइडेंड 5940 एंड डिवाइजर है 54। इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, कैसे करना है, जो डिवाइजर है वो हम इस साइड लिखेंगे 54, और जो डिवाइडेंड है वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम,
54 की टेबल नहीं आती है, मुझे पता है किसी को टेबल नहीं आती है, तो उसका इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे है करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले बता दें कैसे करेंगे। 54 की टेबल किसी को नहीं आती है, किसी को क्या, जैसे मुझे भी टेबल नहीं आ रही है, तो इसको इजी तरीका बताती हूँ कि अगर कोई टेबल बड़ी हो तो कैसे करेंगे हम। जैसे आपको अब ये करना है 54, आपको पहले ये भी देखना है कि टेबल है जो है छोटी रहनी चाहिए। 5 नंबर अगर मैं लूँगी तो 5 से तो बड़ी हो गई है, और मैंने 9 इसके साथ ऐड कर दिया 59, तो 54 छोटी हो गई, मतलब ये टेबल छोटा हो गया इससे 59 से। तो हम करेंगे तो 54 वंजा 54, ये तो पता है आपको, सबको पता है 54 वंजा 54 होते हैं। अब 54 टूजा कितने होते हैं, तो 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि 54 टूजा कितने होते हैं। 24 जा 8 और 25 जा 10, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अब 54 टूजा 108 आ रहे हैं, पर यहाँ तो 59 है, हमें या तो इतने 59 आए या तो 59 से कम है, इसलिए हमने 54 वंजा 54 लिखे। लेस करेंगे लाइन ड्रॉ करके, 9 में से 4 लेस किए 5, 5 में से 5 लेस किए 0, नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 4, अब ये हो गए 54। ऑलरेडी टेबल 54 किए तो 54 वंजा 54 आ गए, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं हुई। लाइन ड्रॉ किया, 4 में से 4 लेस किए, 5 में से 5 लेस किए 0, लास्ट में नंबर बचा है 0, 0 बचे हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इसको हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस 0 को हमने एज इट इज़ ऊपर लिख दिया है। आंसर क्या है, 110। क्वेश्चन कितना है, 110, और रिमाइंडर कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 है तो रिमाइंडर नहीं आया है, इसका क्वेश्चन आंसर कितना आया, 110। इसमें जो क्वेश्चन 20 है वो आपको सेल्फ करना है, मैंने आपको 19 एक्सप्लेन किया है, 20 आपको खुद तो करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17, हमने जो पहले की है वो 16 थी, ये एक्सरसाइज है 17 करते हैं हम। यूजिंग द रूल्स ऑफ डिविजन बाय 10, 100 and 1000, फाइंड द क्वेटन एंड द रिमाइंडर वैन। क्वेश्चन दिया है, इस डिवाइड क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको डिवाइड किससे करना है, 10, 100, 1000 वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब इनसे डिवाइड करना है। तो मैंने आपको एक एक लिया है, 10 वाला भी आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं, 100 वाला भी और 1000 वाला भी, तो जिससे आपको तीनों अच्छे समझ में आ सके। तो पहले 10 वाला लेते हैं हम, जो 10 वाला है 527 है डिवाइड 10 से करेंगे। 10 वाले तो और इजी, मतलब जैसे जो 0 वाले रहते हैं 10, 100, 1000 वाले, ये और इजी रहते हैं करने में। तो आपको क्या करना, 10 की टेबल भी आती है आपको, और नहीं 10 की टेबल इतनी इजी है कि सबको टेबल आती है 10 की। तो कैसे करेंगे, पहले आप ये सबसे पहले चेक करेंगे कि 5 से पहले कंपेयर करिए, 1 डिजिट से कंपेयर करिए आप 10 को कि टेबल छोटी है बड़ी है। 10 की टेबल बड़ी हो गई है और 5 छोटा हो गया है, आपको बताया मैंने कि टेबल छोटी होनी चाहिए, तो 5 में मैंने क्या ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया, ये हो गए 52 हो गए। अब टेबल छोटी हो गई है 10, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब टेबल बोलेंगे हम 10 की, या तो 52 आए या तो 52 से कम आए, तो हम टेबल बोलेंगे 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 6 टाइम बोलेंगे तो 60 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं 52 से, तो हम 10 5 50 लिखेंगे, मतलब 5 टाइम्स ही करेंगे क्योंकि 6 टाइम बोलने पे 60 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो 10 5 50। अब लेस करेंगे, लाइन ड्रॉ करके 2 में से 0 लेस करी 2, और 5 में से 5 लेस करेंगे 0। आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर नेक्स्ट एरो लगा के हमने नेक्स्ट डिजिट लिखा यहाँ पे 7, ये हो गया 27। वापस 10 की टेबल बोलेंगे, या तो 27 आए या तो 27 से कम आए, ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 3 टाइम्स बोलने पे ज़्यादा आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे नंबर दिए हमें 27, तो हमने 2 टाइम्स लिया, 10 2 20, 20 आया यहाँ पे, 7 में से 0 लेस करेंगे 7, और 2 में से 2 लेस किया 0। अब टेबल बड़ी हो गई है और ये नंबर छोटा हो गया, और आगे कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम यहाँ पे लिख के आगे कर सकें, तो ये यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। और रिमाइंडर नीचे कितने बचे हैं, रिमाइंडर 7, और जो आंसर आया वो क्वेश्चन कितने हैं, 52, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है 100 वाला, पहले 10 वाला आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अब 100 वाला आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है 648 डिवाइड 100,
हंड्रेड वाला करते हैं, कितने डिजिट का है, 1 2 3, तो मतलब आपको ये देखना है, पहले 6 लिया तो टेबल बड़ी हो रही है, नंबर छोटा हो रहा है, हमें टेबल को छोटा करना है। फिर 4 मिलाएंगे, 64 हो रहे हैं, अभी भी टेबल बड़ी हो रही है और नंबर 64 छोटा हो रहा है। अब हम ऐड ऐड कर लेंगे तो कितने हो गए, 648। अब टेबल छोटी हो गई है और ये नंबर बड़े हो गए हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, 100 की टेबल आती नहीं है पर बहुत ईजी है, 100 वन ज़ा 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 200 हो जाएंगे, 200 हो गए, 100 थ्री ज़ा 300, 100 फोर ज़ा 400। बहुत ईजी टेबल है, बच्चे नॉर्मल ईजी तरीके से कर लेंगे। तो आप देखिए, 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200, 100 थ्री ज़ा 300, 100 फोर ज़ा 400, 100 फाइव ज़ा 500, 100 सिक्स ज़ा 600, 100 सेवन ज़ा 700। 7 टाइम बोलने पर ज़्यादा आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, और ये नंबर हैं जो दिए हैं 700 से कम हैं, तो हम 6 टाइम लिखेंगे, 100 सिक्स ज़ा 600। लाइन ड्रॉ करी, अब 8 में से 0 लेस करेंगे हम, 8 आएंगे, 4 में से 0 लेस करेंगे, 4 आएंगे, और 6 में से 6 लेस करेंगे तो 0 आएंगे। लास्ट में 48, आगे नंबर नहीं है लिखने के लिए, ये 48 हो गया, टेबल बड़ी हो गई 100 और 48 छोटा हो गया है, आगे नंबर भी नहीं करने के लिए, तो ये यहीं पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आए 6 और रिमाइंडर कितने हैं, 48। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाला, 1000, ये 9 क्वेश्चन है, इसमें 1000 का 17065, इसको किससे करना है, 1000 से करना है। 1000 की टेबल भी ईजी है, 1000 वन जा 1000, 1000 टू जा 2000, 1000 थ्री जा 3000, ये भी ईजी है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम कि 1 से करेंगे तो टेबल अभी भी बड़ी है और ना 1 छोटा है, 7 मिला दिए फिर भी 17 इससे छोटा है और टेबल बड़ी है, हमें टेबल हमेशा छोटी रखनी है। जब तक टेबल छोटी नहीं जाए तब तक आप चेक करते रहिए। फिर 0 ऐड कर दिया, 170 हो गए, 170, अभी भी टेबल बड़ी है 1000 की। अब हमने ऐड कर दिया क्या, 6, ये हो गया 1706। अब टेबल छोटी हो गई है 1000 की, 1000 छोटा हो गया और 1706 ये ज़्यादा हो गए हैं। अब हम करेंगे 1000 की टेबल बोलेंगे, 1000 वन ज़ा 1000, 1000 टू ज़ा 2000, तो इस नंबर से ज़्यादा हो गए तो 1 टाइम ही लेंगे हम, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1000। ब्लाइंड ड्रॉ करके हम लेस करेंगे, 6 में से 0 लेस किए 6, 0 में से 0 लेस किए 0, 7 में से 0 लेस किए 7, और 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 आएंगे। अब ये हो गया 706। एरो लगाया हमने, नेक्स्ट नंबर वो लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 706 कम है और 1000 जो टेबल है बड़ी है, तो हमें करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लिखा हमने 5, अब ये हो गया 7065। अब हम करते हैं 1000 टेबल फिर बोलेंगे हम, तो 1000 वन ज़ा 1000, 1000 टू ज़ा 2000, 1000 थ्री ज़ा 3000, 1000 फोर ज़ा 4000, 1000 फाइव ज़ा 5000, 1000 सिक्स ज़ा 6000, 1000 सेवन ज़ा 7000, 1000 एट ज़ा 8000, 8 तो ज़्यादा हो गए, 8000 आ देंगे, और ये तो 7065 है, तो हम 7 टाइम लेंगे, 7 टाइम लिया तो कितने आए, 7000। लाइन ड्रॉ करी, 5 में से हम 0 लेस करेंगे 5, 6 में 0 लेस करेंगे 6, 0 में 0 लेस किया 0, 7 में 0 लेस किया 0, ये जो नंबर है आगे ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप देखो 65 है और कोई नंबर भी नहीं है लिखने के लिए, तो 65 हो गया और 1000 की जो टेबल है वो टेबल बड़ी हो गई, हमेशा टेबल छोटी होनी चाहिए, पर नंबर भी नहीं आगे करने के लिए, तो ये यहीं पर फिनिश हो गया है। तो क्वेश्चन कितने आए, 17, और रिमाइंडर कितने हुए, 65। क्वेश्चन इसमें सेकंड फिफ्थ और जो टेंथ वाला है ये आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 10 का दिया है मैंने, जैसे मैंने आपको 10 वाला एक्सप्लेन किया था, 100 वाला, 1000 वाला, वैसे ये भी मैंने एक एक क्वेश्चन दिया आपको 10, 100, 1000 वाले, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और अगर आपको एक्स्ट्रा करने हैं और ज़्यादा करने प्रैक्टिस तो आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट है 18, ये भी आपको स्किप करनी है, इसको नहीं लेना है, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं चैप्टर, मतलब जो एक्सरसाइज है वो हम कम ही लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, कम ही एक्सरसाइज लिए हर चैप्टर में, मोस्ट है मतलब जो ज़्यादा लगा है कि हाँ आपके लिए ज़रूरी है, बस वही आपको
एक्सप्लेन किया है। ओके, ये चैप्टर फिनिश है। हैव अ गुड डे।